अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कल की लेक्चर बल्कि पिछले एक दो लेक्चर्स में थोड़ा सा साउंड का, ऑडियो का प्रॉब्लम था। आई होप वो मैंने माइक्रोफोन बूस्ट किया हुआ था 100%, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा था। आई होप इट वुड बी मच बेटर टुडे। अच्छा जी, तो आज का जो लेक्चर है ये वेनसडे का लेक्चर है, 22 अप्रैल, एंड इट इज़ द सिक्स्थ ऑनलाइन लेक्चर। इट इज़ अबाउट रिलीजियस परस्पेक्टिव्स अबाउट द इन्वायरमेंट एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो डिफरेंट रीजन्स ने, बल्कि तकरीबन तमाम रीजन्स ने इन्वायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया है। जूडियो क्रिश्चियंस ने जेनेसिस के अंदर बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई एंड फिल द अर्थ एंड सब्जू इट एंड हैव डोमिनियन ओवर द फिश ऑफ द सी एंड ओवर बर्ड्स ऑफ द एयर एंड ओवर एवरी थिंग दैट मूव्स अपॉन द अर्थ। बड़ा क्लियरली बताया कि ये तमाम इन्वायरमेंट और तमाम उससे रिलेटेड चीज़ें हैं। जेनेसिस सेकेंड चैप्टर कमांड स्टूअरशिप ओवर ऑल दी अर्थ, ओल्ड व्यू इज़ वन ऑफ द डोमिनियन। तो ये एक जूडियो क्रिश्चियन का जो जेनेसिस की जो उनकी किताब है उसके अंदर, जो बाइबल के एक वर्जन है मेरे ख्याल में, उसके अंदर ये इसके बारे में लिखा गया है। इस्लाम में काफ़ी बातें लिखी गई हैं। आज का बड़ा डिटेल लेक्चर होगा इस्लाम का परस्पेक्टिव के बारे में, वो हम अभी आगे देखेंगे। जूडियो क्रिश्चियन एंड इस्लामिक सोशल जस्टिस परस्पेक्टिव री थिंकिंग द ट्रेडिशंस इन लाइट ऑफ वट वी हैव लर्न अबाउट द इन्वायरमेंट। जेन बुद्धिज़्म जो है स्ट्रेसेस यूनिटी ऑफ सेल्फ विद नेचर। टाउइज़म एसेंस थीम्स ऑफ यूनिटी विद नेचर एंड द यूनिवर्स। हिंदुइज़्म प्रोमुलेट्स एन आइडिया ऑफ वननेस विद नेचर एंड द डॉक्ट्रीन ऑफ अहिंसा, नॉन वायलेंस एंड नॉन किलिंग। ये उनके अंदर है। वेद्स में भी है कि आपने किसी को मारना नहीं है, चाहे वो परिंदा क्यों ना हो, चाहे वो एनिमल क्यों ना हो, चाहे वो प्लांट्स क्यों ना हो। इट ऑल्सो पोर्ट्रेज द सीक्रेट एंड नेचर एज फ्यूज सिम्बलाइज इन द आइडिया ऑफ डिविनिटीज बींग री इनकार्नेटेड इन लिविंग क्रीचर्स। तो उनका ये भी है कि हर चीज़, जो भी इंसान मरता है वो दोबारा ज़िंदा होकर वो मंकी भी बन सकता है, वो कुछ जानवर बन सकता है या कोई पौधा बन सकता है, कोई भी लिविंग थिंग जो है। तो हर इंसान के साथ जन्म होते हैं और वो कोई भी किसी किस्म का जो है वो उसमें आ सकता है। अच्छा जी, अमेरिकन इंडियन नॉन ह्यूमन एनिमल्स हैव स्पिरिट्स, दे आर टू बी किल्ड ओनली आउट ऑफ नेसेसिटी एंड देन अटोन्ड फॉर एन अपोलॉजी मेड टू द एनिमल स्पिरिट। क्योंकि हर जिस तरह से इंसान के अंदर एक स्पिरिट होता है, जिस तरह एनिमल्स के अंदर भी स्पिरिट होता है। अच्छा, मुस्लिम्स उसके बजाय उसके वो भी चीज़ को पहचानते हैं और समझते हैं। तो वो अलबत्ता जब ये अल्लाह का नाम लेते हैं और कहते हैं कि आई एम किलिंग यू, या तुम्हें कुर्बान मैं कर रहा हूँ अल्लाह के नाम पे, तो दैट इज़ बेसिकली टॉकिंग टू द स्पिरिट ऑफ द एनिमल। इसीलिए क्लियरली और लाउडली कहना ज़रूरी है, अल्लाह का नाम लेना ज़रूरी है जब आप किसी भी जानवर को कुर्बान करते हैं या ज़िबा करते हैं। क्लियरली इंजीनियरिंग डिसीजंस मेड एन एनवायरमेंट शुड बी इन्फ्लुएंस्ड बाई रेंज ऑफ व्यूज ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। तो बहरहाल ये डिफरेंट रीजन्स का व्यू है। हम आज के लेक्चर में फोकस करेंगे ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है जी, तो ये भी मैंने अपलोड कर दी हुई है। आप ये दूसरी स्लाइड के तौर पे अपलोड की है। पहली स्लाइड रिलीजियस परस्पेक्टिव के नाम से, सेकंड स्लाइड है 06_2 इस्लामिक प्रिंसिपल्स ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये अयाद अबू मुगली ने 23rd 2019 को ये इसके ऊपर एक रिसर्च पेपर लिखा था, और इस पर काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, इसकी ऑनलाइन चीज़ें मौजूद हैं। अ ह्यूज नंबर ऑफ वर्सेज इन कुरान एंड सेवरल सेंग्स ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद इंडिकेट द ग्रेट इंपॉर्टेंस दैट हैज़ बीन गिवन टू इन्वायरमेंटल कंसर्न एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैन टू द इन्वायरमेंट। द ओवर आर्चिंग प्रिंसिपल इन द यूज ऑफ नेचर इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्रोफेटिक डिक्लेरेशन दैट स्टेट्स देयर शैल बी नो डैमेज एंड नो इन्फ्लिक्शन ऑफ डैमेज, द राइट टू बेनिफिट फ्रॉम द इसेंशियल इन्वायरमेंट एलिमेंट्स एंड रिसोर्सेज सच एज वाटर, मिनरल्स, लैंड, फॉरेस्ट, फिश एंड वाइल्ड लाइफ, अरेबल सॉइल, एयर एंड सनलाइट इज इन इस्लाम अ राइट हेल्ड इन कॉमन बाई ऑल मेम्बर्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक है जी, ये इस्लाम में तमाम चीज़ों के बारे में राइट्स जो हैं वो बता दिए गए हैं, और कहा है कि किसी भी किस्म को आप डैमेज नहीं पहुँचा सकते, किसी भी चीज़ को आप डैमेज नहीं कर सकते। अर्थ इज़ मैंशनड 61 टाइम्स इन कुरान। कुरान के अंदर 61 मरतबा अर्थ का लफ्ज़ जो है वो मैंशन किया गया है। अकॉर्डिंग टू इस्लाम द यूनिवर्स हैज़ बीन क्रिएटेड बाई अल्लाह गॉड विद अ स्पेसिफिक पर्पज एंड फॉर अ लिमिटेड टाइम। द यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज
जिनको हम नेमतुल्ला या गिफ्ट्स ऑफ अल्लाह भी कहते हैं, इज़ अ सीक्रेट ट्रस्ट इन्वेस्टेड इन मैनकाइंड। ही इज़ अ मेयर मैनेजर एंड नॉट एन ओनर, अ बेनिफिशरी एंड नॉट अ डिस्पोजर। ठीक है, तो ये तमाम नियमतें जो इस दुनिया में अल्लाह ताला ने आपको दी हैं, पानी, हवा, एनिमल्स, प्लांट्स, फॉरेस्ट, ठीक है, ये तमाम ये नियमतें दी गई हैं और आप इसके कोई ओनर नहीं हो, आपने इनको मैनेज करना है। यू आर द मैनेजर, आप यू आर अ बेनिफिशरी एंड नॉट अ डिस्पोजर। ठीक है, साइड बाई साइड द इस्लाम नोशन हैज़ बीन टर्म्ड एज उम्मतन वसतन, द मॉडरेट नेशन। और ये बड़ी दफ़ा जिक्र आया है कि इस्लाम के अंदर भी, और हमारे हमारे बड़ों ने बताया है कि मॉडरेट रहो, दरमियान में रहो, ना बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कोई चीज़ करो, ना बहुत ज़्यादा कम करो, बी मॉडरेट। अ नेशन दैट अवॉइड्स एक्सेस इन ऑल थिंग्स, किसी भी चीज़ में अपनी ज़िंदगी में अगर आप मॉडरेशन इख्तियार कर लेंगे, यकीन करें ये मेरे वालिद साहब ने मुझे एक दफ़ा ये एडवाइस की थी, मैं चलें एक उस्ताद ने ना, आप लोगों को एडवाइस करता हूँ कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में मॉडरेशन इख्तियार कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत पुरसकून और बहुत अच्छी गुजरेगी, हर चीज़ के अंदर, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कोई भी खाने पीने की चीज़ हो, चाहे वो कोई भी चीज़, कोई भी नेमत जो आपको हासिल है उसमें अगर मॉडरेशन है तो दैट वुड बी ग्रेट। अ नेशन दैट अवॉइड्स एक्सेसेस इन ऑल थिंग्स, दस मुस्लिम्स इन पर्टिकुलर हैव टू यूटिलाइज द अर्थ responsibly for their benefit, honestly maintain and preserve it, use it considerately and moderately and pass it on to the future generations in an excellent condition. ये इस्लाम ने सस्टेनेबल डिवेलपमेंट को डिफाइन कर दिया। ठीक है जी, अभी आपने पिछली दफ़ा जो सस्टेनेबल डिवेलपमेंट पढ़ा था कि सस्टेनेबल डिवेलपमेंट क्या है, तो वो फ्यूचर जनरेशन के लिए हमने कैसे ख्याल रखना है, दिस इज़ हाउ इस्लाम डिफाइंस सस्टेनेबल डिवेलपमेंट। This includes the appreciation of its beauty and handing it over in a way that realizes the worship of Allah. The utilization of all natural resources, land, water, air, fire, जिसको हम energy के तौर पर हम कह सकते हैं, forests, oceans are considered the right and the joint property of the entire humankind. Since man is Khalifatullah, the vicegerent of Allah, on earth, he should take every precaution to ensure the interest and rights of others and regard his mastery over his allotted piece of land as a joint ownership with the next generation. अच्छा जी, अब आगे कुछ जो लैंड और इन चीज़ों के बारे में, वाटर, लैंड और जो तमाम चीज़ें जिक्र की हैं इनके बारे में कुरान और हदीस में क्या कहा गया है वो मेंशन करते हैं। सबसे पहले लैंड रिक्लेमेशन के बारे में क्या कहा गया है इस्लाम में। प्रॉफिट मोहम्मद सेड, हूएवर ब्रिंग्स डेड लैंड टू लाइफ फॉर हिम इज़ अ रिवॉर्ड इन इट, एंड वट एवर एनी क्रिएचर सीकिंग फूड ईट्स ऑफ इट शैल बी रेकंड एज चैरिटी फ्रॉम हिम। द प्रॉफिट इन अनदर ओकेजन सेड, देर इज़ नो मुस्लिम हु प्लांट्स अ ट्री और सोज अ फील्ड फॉर अ ह्यूमन बर्ड और एनिमल ईट्स फ्रॉम इट बट इट शैल बी रेकंड एज अ चैरिटी फ्रॉम हिम। तो आपको, आप कोई अगर प्लांट्स लगाते हो, अगर आप कोई क्रॉप उगाते हो, अगर आप डेड लैंड के अंदर क्रॉप्स लगाते हो, जिसे कहते हैं सोना उगलती है, उगलती है अल्लाह का नाम लेकर अगर आप शुरू करें और डेड लैंड के अंदर आप सो करें, इसी तरह अगर आप कोई ट्री लगाते हो और वहाँ से कोई बर्ड अगर कोई फ्रूट खाता है या कोई अगर स्टील कर लेता है, तो स्टिल इट वुड बी कंसिडर्ड एज चैरिटी इवन आफ्टर योर डेथ। दैट ट्री और दैट क्रॉप जिससे लोग फ़ायदा उठाते रहेंगे, जिसकी छाँव तले बैठते रहेंगे या जहाँ से फ्रूट खाते रहेंगे, हर लिहाज से वो आपके लिए ब्लेसिंग रहेगा टिल द डे ऑफ क्यामा। देर इज़ नो मुस्लिम हु प्लांट्स अ ट्री और सोज अ फील्ड फॉर अ ह्यूमन बर्ड, ह्यूमन बर्ड और एनिमल्स ईट्स फ्रॉम इट बट इट शैल बी रेकंड एज चैरिटी फ्रॉम हिम। एंड इफ एनी वन प्लांट्स अ ट्री, नो ह्यूमन नॉर एनी ऑफ द क्रीचर्स ऑफ अल्लाह विल ईट फ्रॉम इट विदाउट इट बींग रेकंड एज चैरिटी फ्रॉम हिम। This testifies the importance of Prophet in the early days of Islam and given to reclamation of land and equal rights of all God's creatures to benefit from the resources of earth. Okay, next is wildlife protection. Wildlife and natural resources are protected under Sharia rules of Islam by zoning around areas called Hima. Ab ye pata hai aap mein se aksar logon ko pata bhi hoga ki hamari shariat mein
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के बारे में बकायदा रूल है। इन सच प्लेसेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हैबिटेशन एक्सटेंसिव ग्रेजिंग आर नॉट अलाउड। ठीक है, जिसको आप एक जोन करार देते हैं हिमा का, जिसको आप वाइल्ड लाइफ या नेचुरल रिसोर्स के तौर पर डिक्लेयर कर दें, वहाँ पे आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हैबिटेशन या एक्सटेंसिव ग्रेजिंग नहीं कर सकते। द प्रॉफिट हिमसेल्फ फॉलोड बाई द कैलिफ्स ऑफ इस्लाम इस्टेब्लिश सच हिमा जोन्स एज पब्लिक प्रॉपर्टी और कॉमन लैंड्स मैनेज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाई द पब्लिक अथॉरिटी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। नेक्स्ट है वाटर राइट्स। इन द शरिया देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेस्ड ऑन अपस्ट्रीम फार्म्स टू बी कंसिडरेट ऑफ डाउनस्ट्रीम यूजर्स। यानी अगर आप एक रिवर बह रहा है और एक कैनाल बह रही है, अगर आप उसके अपस्ट्रीम पे आपका फॉर्म है, तो यू शुड बी कंसिडरेट कि आप सारा पानी आप ना कब्जा कर लो, सारा पानी आप ना यूज़ कर लो, आप सिर्फ उतना पानी यूज़ करो जितनी आपकी ज़रूरत है, बाकी वो पानी को आप आगे जाने दें ताकि जो डाउन स्ट्रीम पर जिनके फार्म्स हैं, जो किसान वहाँ पर इस्तेमाल करें, उनको भी पानी मिल सके और वो भी इस्तेमाल कर सकें। अ फार्म बिसाइड अ स्ट्रीम इज़ फॉरबिडन टू मोनोपलाइज इट्स वाटर। आफ्टर विद होल्डिंग अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ वाटर फॉर हिज क्रॉप्स, द फार्मर मस्ट रिलीज द रेस्ट टू दोज डाउन स्ट्रीम। फर्दरमोर, इफ द वाटर इज इनसफिशियंट फॉर ऑल ऑफ द फार्म्स अलॉन्ग द स्ट्रीम, द नीड्स ऑफ द ओल्डर फार्म्स आर टू बी सेटिस्फाइड बिफोर द न्यूअर फार्म इज परमिटेड टू इरीगेट। ठीक है जी, तो उसमें फिर रूल बना दिया गया कि अगर पानी कम है, जो पहले पुराने फार्म्स हैं उनको पहले पानी दिया जाएगा और फिर जो नए फार्म्स हैं उनको इरीगेट करने के लिए पानी दिया जाएगा। दिस रिफ्लेक्ट्स द सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर बेस्ड ऑन इट्स सेफ यील्ड। इस्लाम इसके बारे में बड़ा क्लियर है, शरीयत बड़ा क्लियर है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, द राइट्स टू बेनिफिट फ्रॉम नेचर आर लिंक्ड टू अकाउंटेबिलिटी एंड मेंटेनेंस और कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्स। द फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल एस्टेब्लिश बाई द प्रॉफिट मोहम्मद इज दैट द बेनिफिट ऑफ अ थिंग इज इन रिटर्न फॉर द लाइबिलिटी अटैच टू इट। द बेनिफिट ऑफ अ थिंग इज इन रिटर्न फॉर द लाइबिलिटी अटैच टू इट। मच इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इज ड्यू टू पीपल्स इग्नोरेंस ऑफ वट देर क्रिएटर रिक्वायर्स ऑफ देम। पीपल शुड बी मेड टू रियलाइज दैट द कंजर्वेशन ऑफ द इन्वायरमेंट इज अ रिलीजियस ड्यूटी। हमारे उलमाए कराम, हमारे मौलवी, ये तो फिर बड़ी बातें बताते हैं कि ये हुकूक अल्लाह के हैं और ये काम करना है, आपने नमाज पढ़नी है, जकात देनी, ठीक है, ये बातें भी पढ़नी चाहिए, लेकिन ये बात भी उनको आपको बतानी चाहिए कि कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट भी आपकी रिलीजियस ड्यूटी है। अगर आप अपने इन्वायरमेंट का ख्याल नहीं रखते तो यू आर नॉट अ गुड मुस्लिम। डिमांडेड बाई गॉड, गॉड हैज़ सेड एंड डू गुड एज अल्लाह हैज़ बीन गुड टू यू एंड डू नॉट सीक टू कॉज करप्शन इन द अर्थ, अल्लाह डज नॉट लव द करप्टर्स। ठीक है जी, कुरान में आयत मेंशन है। वेस्ट जनरेशन, इस्लाम कॉल्स फॉर द एफिशिएंट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड वेस्ट मिनिमाइजेशन। गॉड सेज इन कुरान, ईट एंड ड्रिंक बट वेस्ट नॉट बाई एक्सेस। He means Allah loves not the excessive and do not follow the bidding of the excessive who cause corruption in the earth and do not work good and do not cause corruption in the earth when it has been set in order. So ye teen Quran ki al-araf al-ashura al-araf ki mainly araf ki do ayatein hain aur ek ashura ki hai, to wahan se waste generation ke upar ye ayatein mentioned hai. Fir water pollution, water also plays another socio-religious function, cleaning of the body and clothes from all dirt, impurities and purification so that the mankind can be presentable at all times. ठीक है, पाक साफ रहना सफाई निस्फ ईमान है, ये हमारे मजहब में कह दिया गया। Only after cleaning with pure, colorless, odorless and tasteless water Muslims are allowed to pray. One can only pray at a place that has been cleaned. In light of these facts, Islam stresses on preventing pollution of water resources. Urinating in water, discharging wastewater into water stream, and washing or having a bath in stagnant water are forbidden acts in Islam. The Prophet said, "No one should bathe in still water when he is unclean." The teachings of Prophet Muhammad emphasizes the proper use of water without wasting it. The Prophet said, "Don't waste water even if you are on a running river." यानी कि अगर तुम्हारे पास पूरा दरिया भी आ जाए और वो तेज़ी से पानी बह रहा हो, फिर भी पानी वेस्ट ना करो। इन कुरान चिल्ड्रन ऑफ कुरान में लिखा है, चिल्ड्रन ऑफ एडम ड्रेस वेल वेन एवर यू आर एट वर्कशिप एंड ईट एंड ड्रिंक एज वी हैव परमिटेड बट डू नॉट बी एक्स्ट्रावेगेंट। गॉड डज नॉट लाइक एक्स्ट्रावेगेंट।
इस नेक्स्ट है जी सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री के बारे में इस्लाम क्या रूल है। इस्लामिक लेजिस्लेशन ऑन द प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स फाइंड इट्स रूट्स इन कुरानिक टीचिंग्स ऑफ प्रॉफिट। दे इंक्लूड द फॉलोइंग, हूएवर प्लांट्स अ ट्री एंड लुक्स आफ्टर इट विद केयर अंटिल इट मेच्योर्स एंड बिकम्स प्रोडक्टिव विल बी रिवॉर्डेड इन द हेयर आफ्टर। ये एक हदीस है और इसमें क्लियर बता दी कि अगर कोई दरख्त लगाता है और वो दरख्त बड़ा हो जाता है और फिर वो भी इट बिकम्स प्रोडक्टिव इट स्टार्ट्स गिविंग फ्रूट्स, तो उसको ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी उसका सवाब मिलेगा। तो इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि प्लांट या ट्री लगाने का कितना फ़ायदा है। इफ़ एनी वन प्लांट्स अ ट्री और सोज अ फील्ड एंड मैन बीस और बर्ड्स ईट फ्रॉम इट ही शुड कंसिडर इट एज अ चैरिटी ऑन हिज पार्ट। जिस तरह से कई लोग बाहर आजकल वाटर कूलर लगाते हैं ना कि घर के बाहर के जो पानी पिएगा तो ये चैरिटी है, इसी तरह ये दरख्त लगाना और उसे अगर फ्रूट से कोई लोग उसके चाहे उसके छाँव में बैठें या वहाँ से कोई फ्रूट खाएं, चाहे कोई बर्ड खाए वहाँ से फ्रूट, इट वुड बी कंसिडर्ड एज अ चैरिटी। ही इज़ ऑल्सो रिपोर्टेड टू हैव इंकरेज ट्री प्लांटिंग एज अ कंस्ट्रक्टिव प्रैक्टिस सेइंग दैट इवन इफ वन आवर रिमेंड बिफोर द फाइनल आवर, आपके मरने से पहले का आखिरी घंटा है और एक घंटा आपके पास अगर रह गया है एंड वन हैज़ अ पाम शूट इन हिज हैंड ही शुड प्लांट इट। यानी कि क्यामत, अगर क्यामत आ पहुंची और एक घंटा बाकी है और आप इस योर फाइनल आवर आपके आखिरी सांसें चल रही हैं और आपके हाथ में अगर कोई सीड है या पाम शूट है तो यू शुड प्लांट इट, दैट शुड बी योर प्रायरिटी। इवन एट टाइम्स ऑफ वॉर मुस्लिम लीडर्स सच एज अबू बकर एडवाइज देयर ट्रूप्स नॉट टू चॉप डाउन ट्रीज एंड डिस्ट्रॉय एग्रीकल्चर और किल एन एनिमल। पब्लिक पार्टिसिपेशन, द प्रोटेक्शन कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज इज अ मैंडेटरी रिलीजियस ड्यूटी टू विच एवरी मुस्लिम शुड बी कमिटेड। द कमिटमेंट एमिनेट्स फ्रॉम द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर गॉड टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ एंड हिज कम्युनिटी। गॉड हैज सेड डू गुड इवन एज गॉड हैज डन यू गुड एंड डू नॉट परस्यू करप्शन इन द अर्थ, गॉड डज नॉट लव करप्शन। ठीक है जी, तो ये आपकी स्लाइड थी, ये इस्लामिक परस्पेक्टिव था, ये ख़त्म हो गई हैं। आज इस वीक की लास्ट वर्कशीट नंबर 3-6 है, ये आपने करनी है, अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रीहेंड द रिलीजियस परस्पेक्टिव ऑन एनवायरमेंटल एथिक्स। आपने इस्लाम का परस्पेक्टिव अपने लफ्ज़ों में बिल्कुल जनरली एक चंद एक लाइन में बताना है कि इस्लाम का क्या परस्पेक्टिव है अबाउट इन्वायरमेंटल एथिक्स और सस्टेनेबल डिवेलपमेंट। ठीक है, फिर कुरान के अंदर चंद एक आप एक या दो आप कुरान की जो मेन आयतें हैं वो कोट कर दें, तो एक दो आप हदीस कोट कर दें, फिर आप ये चीज़ इस्लाम के परस्पेक्टिव कुरान का और हदीस का ये तीन बताने के बाद आपने अपने लिहाज से योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए मुस्लिम, आप अपने लिहाज से क्या समझते हैं, आप मुसलमान हैं मुस्लिम हैं, आपने ऊपर देख लिया कुरान का कह रहा है, हदीस का कह रही है, इस्लाम का कह रहा है, तो आपका क्या परस्पेक्टिव है इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल डिवेलपमेंट के बारे में और आपके ख्याल में आपको क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए। ठीक है जी, चलें, थैंक यू वेरी मच, देन होप टू सी यू नेक्स्ट वीक। जो प्रोजेक्ट के बारे में मैंने जिक्र किया था वो नेक्स्ट वीक मैं आपको दूंगा, मंडे को उसकी मैं अपलोड भी कर दूंगा, उसके लिए 3-4 वीक्स का टाइम मिलेगा आपको, तो अभी इस वीक बस आपने ये वर्कशीट नंबर 6 ही करनी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।